बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। चलिए आज बनाते हैं चना चाट। चना चाट बनाने के लिए हमें लेना है लोबिया, एक कटोरी मैंने भिगो कर रखी थी, और वाइट चना और ब्लैक चना मैंने भिगो लिए हैं। इसके लिए हमें लेना है एक कुकर। कुकर में ऐड कर लेना है वाइट चना और लोबिया और ब्लैक चना ऐड कर लें। आधा घंटा मैंने फूलने के लिए रख देते हैं चने और लोबिया को। अच्छे से फूल गए हैं और उसमें ऐड कर लेंगे कुकर में, और इसको चूल्हे पर रख देंगे और उसमें डालेंगे नमक। एक चम्मच नमक मैं ऐड कर ली हूँ, आप टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें। कुकर को मैंने चूल्हे पर रख दी हूँ, 4 से 5 सीटी होने तक पकाना है इसको। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। और मैंने यहाँ प्याज कट कर ली है, 2 अदद मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़ की। इसको कट कर लेना है, बारीक कटी हुई प्याज लेना है। 2 टमाटर लेना है मीडियम साइज़ के, और बारीक काट लेना है अच्छे तरीके से। मैंने बारीक कट कर ली हूँ। 5 सीटी हो चुकी है फ्रेंड्स, और अब हम लेंगे पैन। पैन में डालेंगे ऑयल, ऑयल को गरम कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे उबले हुए चने और लोबिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे, और अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच नमक ऐड करें। चना और लोबिया बहुत ही अच्छे से गल चुका है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। चूल्हे को लो फ्लेम पर रखना है और इसको अच्छे से पकने देना है। और अब एक बाउल लेना है, इसमें ऐड करना है चना और लोबिया, गार्निशिंग के लिए कटी हुई प्याज, कटे हुए टमाटर और कटा हुआ हरा धनिया और चाट मसाला। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाट स्नैक रेडी है। आप लोग भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, ट्राई करें आप लोग ज़रूर। मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।